शिद्दत, हेलो। यहाँ तो खामोशी है। हाँ जी, देखो मेरी गल सुनो, ये साडा कसूर तो नहीं कि अम्मा उठ के बह गए ने। असि जो ग्रुप भेजे रोन लिए 50% पहले लेंगे साढ़े को जनाबे वाली। वो भाई जी मेरा की कसूर है? जी अम्मा नु कोई ऐसी बीमारी सी तो तुहानू पता होना चाहिए, 50% देना पैना तुहानू। हेलो होया की है अनैत भाई, जो उन्होंने कहा माई फौत हो गई है, जो ग्रुप भेजे सी रोन लिए माइया का, अम्मा उठ के बह गए ने। हाँ, ये बलैत भाई साढ़े ना को कारोबार नू नजर जी लग गई है। ये केड़ी बीमारी है जेड़ा मतलब कि बंदा घंटा मरिया रहे तो उस वक्त उठ जाए? इसे लेजरस सिंड्रोम कहते हैं। अक्सर कुछ भी पीपल जिनको डेड प्रोनाउंस कर दिया जाता है वो उठ के बैठ जाते हैं। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं अनहोनी हो गई है कोई। शांत दसन के इनू लेजरस सिंड्रोम हैगा। एक मिनट। हाँ जी, फिर फौत हो? हाँ जी, ब्याह किवें अगे हो गया जी? दादा फौत हो गया उन्होंने तो साड़िया गिद्धे पाने वाली माइया उत्थे पहुंचियां ने। लो बेड़े गर्क हो। हुण की होया? ओ सियालकोट नहीं सी भेजे? हाँ ब्याह ते। हाँ उन्होंने दादा फौत हो गया। इन कि बीमारी सी? इन कि समरून तो नहीं हैगा? ये जरा दादा मरिया है, ये मरिया किदा? गिद्धा पा रही है सन, दादे ने जोश आया विच खलो के नचण लग पिया। देखो ना हुण उन्होंने दादा गिद्धे की आखिरी आइटम ते मरदा पिया, तो हुण साडे पैसे तो ना मरन। अजीब लोग हैं आप, उनके घर में फौतगी हो गई है और आप लोग अपने बिजनेस को रो रहे हैं। नहीं तो बाबे ने कहा दी आखर आई सी 70 साल उम्र है, तू वही नचन डे है, एक साइड तो बैठ खंगी जा आराम नाल। इंसान के दिल में कुछ जज्बात भी होते हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही बुरा बिजनेस चल रहा है आप। ओदे जज्बात ता साडी पेमेंट ले गए ना। अनैत भाई। हां बलैत भाई, मेनू लगदा है साडा बिजनेस किसी ने बन दिता है। लोगों ने साडी खुशहाली वेखी नहीं गई। बलैत भाई तू बिल्कुल सही कहना, नजर किहदी लगनी है? इन्हां दी लगी है। ये हर बारी जो आते हैं इन्हों का कारोबार चल रहा, ये लख रुपये कमा रहे हैं, लो हो गया बंद। वैसे आप खान साहिबान तो बड़े जल्दी घबरा गए, कारोबार करने के लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, नुकसान भी होता है फायदा भी होता है, तो क्या हो गया? हुण तुहाडा मतलब है अपना दिल कढ़ा के इत्थे चंगेज़ खान का दिल रखा लीए, उहदे अंदर मैं हलाकू खान का दिल रखा दिया? हले खान साहिबान की हुंदा है कि मतलब वाजा वेख लिया इत्थे या ढोलक ते बैठा मेरे वड्डे भरा नूं वेख लिया? हम बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अपने सिकंदर भाई एक एडजस्टमेंट कर लो, तुहाडा दादा फौत हो गया तो मैं कहना गिद्धे वाले माइया रोण वाले च एडजस्ट कर लो, पैसे अद्धे दे देना। अच्छा थोड़ा अपना खानदान रोन वाला बड़ा है, लानत है ऐसे बाबे ते। मैं तो कहना अनैत भाई। हाँ बलैत भाई, जो मिले फड़ी जाइए। भाई यार हुण देखना किड्डा साढ़े दफ्तर का नाँ है, हुण छोटे छोटे काम फड़ दिया कंपनी का नाँ ना डूब जे। तो पहले आप कौन सा कोई लिहाज करते थे, जो भी आता था उससे पैसे पकड़ लेते थे? किन्ने दिन हो गए शतूत आए या मैं नवे नहीं किए हजे तक, हालात एडे माड़े हो गए। असल तो पता की वीना जी, बददुआवां लोकी बहुत देंदे ने। साडी बरादरी दे ऐसे लोग आ किस दा नवा घर वेख के कहणगे मौला मैनू दे ना दे इहदा टा दे। पता ही एस्केप का बड़ा आसान सा रास्ता है, किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने मुझे बददुआ दे दी। आप लोगों की अपनी कोई एफिशिएंसी है कि नहीं है? सारा दिन इहदे ने खपी जाना, अज कोई कस्टमर नहीं आना। उहनूं तां 5 राइटर चीज़ां लिख के दे दिंदे, साडे वारी मौत पै जांदी है। मैं कहा चलो हालात ते माड़े ने, इहनां नाल ही बहस करी जाइए। नहीं जब आपने कारोबार शुरू किया था तो इतने जोरों शोर से शुरू किया था, अभी अपनी हालत देखें आप। वलैत यार सारी जिंदगी सदका ले आईया कि दे भी देता हूँ। और जिस तरह असी अपने अमले की रोटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा कोई सोच नहीं सकते। कैसे पूरी कर रहे हैं आप? ऐसे ऐसे कैसे? उन्हें इधर आ जा मित्र, उन्हें इस बच्चे की रोटी पूरी करनी, हालांकि मेरे ख्याल खाधी तो नहीं अजे। की बन गया साढ़े दफ्तर को बहुत जो हालात जा रहे ना दफ्तर दे, तू किसी वाकफ डॉक्टर मिलकर ना अपना मेदा छोटा करा, साडा दफ्तर ना बंद करा। कस्टमर ही कोई नहीं आ रहा, पहले रौनक इन लगिया होंगे सन, पहली दफा इंज होया। हूँ यह दसो कि किचन च आटा भी नहीं है। वीना जी की दौर हों पिछे करीले गोश्त चल रहे, मूंगरे गोश्त बन बस करते, उठ का गोश्त हांडी च उठ उठ के वेखदा। पुत्र उन्होंने मूँह का सारा पानी बाहर निकल आएगा, छड़ दे। अज की बनाया? अज सिर्फ मूँह बनाया जी। जे बनाया सी तां पुत्र कोई चंगा बना लेंदा, ये तो मूँह की जगह तू फिटे मूँह बना लिया। इंशाल्लाह बिजनेस चल पेगा, रब करम करेगा, टेंशन नहीं लेनी। जा ये वैसे एक्सक्यूज मी कोई धुन सुन नहीं पाई आज आपने? इस टाइम तो हम खुद ही धुने गए। देखिए मेरी बात सुने, कोई कैलकुलेशन करे, कोई वजूहात निकाले कि आपका बिजनेस क्यों फ्लॉप हुआ। तुसी ओ बाजी पेड़े वाले नु ते जानदे होणे आ। कौन से बाजी पेड़े वाले? ओए कहंदे आ बाजी पेड़ा दिन दी कम चल पंदे। ये सब ज़ईफुल अकीदा लोगों की बातें, कोई लॉजिकल बात करे, कोई वजह होगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ है। नहीं वजह तो कोई नहीं, साडी तो नीयत दोवां भरावां दी साफ है, अगो अल्लाह वारिस है। थोड़ी हिम्मत रखे, कभी कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, फिर चल पड़ेगा। ओके ठीक है, इन्नी हिम्मत।
अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आप लोगों के इतने बड़े बड़े मसले हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े हुए आप? तजर्बा, तालीम कुछ नहीं होती। पहली दफा सुन रही हूँ, तालीम कुछ नहीं होती। बाकी तुम कहते घर वाले ने कह के नहीं भेजे भी 4 बजे सवेर तो पहले बुआ नहीं खोलना क्वेश्चन कर जी। इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने मुझे कि जब तक आपका सेगमेंट पूरा नहीं होता ना, दरवाजा नहीं खोलना। ये सारे मलकी है भाई। जी वेलकम, जी वेलकम, की हाल है? जी ओ बाबा, की हाल है? प्यार लईदा हुंदा जी ओ बाबा। देखो दुआ लागी मलक बाबे दी। आओ बिस्मिल्लाह, इधर आओ, आ जाओ बैठो, तशरीफ रखो। आ जाओ जी, ये इनायत विलायत आप लोग ही हैं जी? जी जी जी, फ्रेश जूस चलेगा? फ्रेश की पियोगे? नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ ना 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 इंज ना ना नहीं। नजीर, दो पीना कलाडा लाया। हाँ जी, पीना कलाडा। आपके पास हर परेशानी का हल है ना? मैं कहना जी, जिस जगह तुसी आ गए हो, टुकड़े आ गए हो तुसी। नसीबा वाले असी कि तुसी आ गए। यानी आपका बड़ा नाम सुना है कि आप लोग बड़ा हेल्प करते हैं लोगों। देखो भाई जी, दुनिया दे विच कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन किसे मामले दी, यानी कि बिल्कुल ऐस लेवल तो लैके ऐस लेवल तक अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम है, घरेलू बाहर दी किधरे कारोबार कोई मसला, ये असीं दोवें भरा हल कर देंगे। मैं कहना जो तुहाडे दिल की ख्वाहिश है, जो प्रॉब्लम है, ये एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यानी कि तुसी सिर्फ मुंह बोलना है, गल हो जानी। बताए ना। हाँ मैं बताता हूँ भाई जान, बात ये कि मेरा नाम आदिल मुराद है और ये मेरी वाइफ है। आप वहीन मुराद साहब के बेटे? नहीं जी नहीं, वो दूसरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भाई जान, बात ये कि जो मसला मैं यहाँ ले आया हूँ ना। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हल कर नहीं पाएंगे आप लोग। जिड्डा हिचकचा रहे ना, इन्हों का मसला को पोशीदा है बहुत ज्यादा। अगर तुम इतने नहीं गल करना चाहते तो पिछले कमरे जाके दस दो। नहीं नहीं नहीं, पिछले कमरे की बात नहीं है, लेकिन अब वो बात इतनी है कि मुझे खोल के दसो, अपना घर ही समझो। मेरा ख्याल है थोड़ी सस जड़ी है वो हमेशा लिए तुम्हारे घर आके रहने लग पी। मेरे ख्याल से हम लोग ना गलत आ गए। चलो यार घर बिल्कुल सही फैसला किया आपने, गुड। वो ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है, दिमाग नहीं है तुम। प्लीज बैठो, आपकी बात बैठो। मैं कहना यकीन नहीं आ रहा बेटा, पता करा लेना भी अनायत कभी किसी कस्टमर लिए इंज उठ के खलोता नहीं, जिदा थोड़ी खड़ा होया भी जरा थोड़ा मसला दसो तो सही। बैठो, मसला देखिए, प्लीज बैठो। आप वादा करें हमारा काम कर देंगे ना? मुझे ये बताइए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई तू थूक देना थोड़े ते, ठीक मसला है? नहीं नहीं, वो टाइम क्या हुआ जी? 1:30 बजे जी। 1:30 बज गया ना, 1:30 बजे से ही काम शुरू हो जाता है। मैं मुझे समझ क्या है, क्या मसला क्या है? वो तो की हुआ थोड़ी मुखालफ कंपनी ने को बल्ब लगा साडे ते की कौन है गौते? एक अब इधर आए, जरा इधर आए भाई जान, अब संभाल लेंगे ना। वो देखिए, वो देखिए की हुआ, वो ये एक बंदा ऊपर हंसता हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं सही दसा? हाँ जी। नहीं, यही तो मसला है जी। कोई आपकी जासूसी करता है? जासूसी नहीं कर रहा, हम दोनों मियां बीवी जब काम पर जाते हैं ना जी, हाँ जी, तो सुबह की बात नहीं है, जब रात को वापस आते हैं तो 12 बजे के बाद एक पूरी जिन की फैमिली है। हाँ। वो हमारे साथ बातें करती है और हर वक्त हमारे साथ ट्रेवल करती है। हम तंग आ चुके हैं। सरानक भाई ने मैंने हूं नजर आए ने हैं? आपको भी आ रहे नजर? भाभी नाल भाभी नाल दो बच्चे जी, दो बच्चे बैठे। अब ये आपको दोनों धोखा दे रहे हैं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ है भी नहीं। मानू नहीं पता, ये जति सती लोग जेड़े हुंदे ना उन्होंने नजर आंदा, मेनू नजर आ रहा की हाल है? अपने बच्चे यार क्यों तंग करता? बैठो बैठो तुसी। लो यार गल सी, मसला ये है भाईजान कि ये सारी फैमिली हमें तंग नहीं करती, बस जब हमारे सोने का टाइम होता हमें कहते हैं हमारे साथ बैठ के खेलो। ये वो जो छोटा वाला बैठा है ना, वो इतना कु शरारती बच्चा है कि मैं बता नहीं सकता। मैनू ये बड़ा अच्छा लग गया है इस फैमिली का, एक अपना जैन भाई ने ना फैमिली छोटी रखी है। आप दोनों नौकरी करते हैं ना, तो आई बिलीव पढ़े लिखे लोग हैं। जी, हम एक ही ऑफिस में दोनों काम करते हैं। तो ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, किन चीजों पे यकीन करना? नहीं, एक मिनट ठहरो, जिन नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगले परेशान ने बेचारे सो नहीं पा रहे, उन्होंने टेंशन बनी है। आप देखे हल्के पड़ गए, ये थोड़ा मसला हल हो जाएगा। कैसे? पैसे थोड़े दे देना, वो ज्यादा लग। पैसे आप जितने मर्जी के दे दूं, मैं सोना चाहता हूं जी। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। टेंशन ही कोनी, साडा बंदा जाएगा। हां, वो इन्हां नाल कोल मिल जाएगा। असी जिहड़ा बंदा थोड़े नाल तोरना ना, भी तुसी एदां समझ लो कि बड़ी बड़ी भैड़ी चनेड़ वो हथ बन के बह गई कि तू जित गया असी हार। सिर्फ 2 मिनट दे दियो। बुला यार करो बरूद साईं, सत बरूद साईं, बाबा बरूद साईं नूं भेजो। बाबा बरूद साईं बाबा जी, हां नाम में दम है। मैं कहना नसीबां वाले हो भी
ਇਹਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕੇ ਆ। ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ, ਉਲਟ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਹਟ ਹਟ ਹਟ, ਤੂੰ ਜੰਨੇ ਤੂੰ ਜੰਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੇਖ, ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਵਾਹ ਬਾਰੂਦ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ आपको ऐसी चीजें नजर आ रही है जो असल में है ही नहीं। उन्हें भी तो नजर आ रही है। देखो बच्चे परेशान आ, मोटरसाइकिल की तो किस्त भी देनी साले, बहुत ही एक्टिंग लैके जाओ परेशानी। लो जी ये बाबा जी जानगे, ठीक है जी, ये फैमिली ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫੀਸ ਕਿਤਨੀ ਲੇਂਗੇ ਆਪ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਬਣ ਦਾ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 5 ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਕੋ ਕਾਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਇਹ ਐਬ ਐ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਐ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੈਠੇ ਔਰ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠੋ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਪਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨੇਵਾ ਸੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਠੋ ਉਠੋ ਉਠੋ। 1 ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵੀ ਸਵਾ ਦੇਣੇ। ਨਵੀ ਜੋ ਫਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚ ਖਲੋਤੇ। ਆਓ ਆਓ ਸ਼ਮਾ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਸੋਫੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੇ ਆਪ ਲੋਗ? ਸਾਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਕੇਲੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਂਗੇ ਕਿਆ? ਕਿਆ ਤਕੱਲਫ ਨਹੀਂ, ਤਕੱਲਫ ਨਹੀਂ। ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਪੰਵਾ ਲੈ। ਓਕੇ, ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੂਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਔਰ ਜੂਸ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਡਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਸ। ਹਾਂ, ਮੌਸਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਭੀ ਹਮ ਆਤੇ ਹੈਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈਂ? ਲੁੱਟਨੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਲੁੱਟਨੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼ਮਾ ਹਮ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਆਪਕਾ ਨਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੇਤੇ ਤਭੀ ਹਮ ਆਏ। ਇਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਭੂਖ ਹੈ ਵੋ ਮਿਟੇ। ਹਮੇ ਲਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਲੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੋ ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੋ ਐਸਾ ਜਬ ਰੁਖਸਤ ਕਰੇ ਤੋ ਐਸੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਤੇ ਵੈਨ ਪੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਮਝੇਂਗੀ ਲਾਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਗ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੈਰੇਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ। ਹਾਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਪਾਗਾ ਵਾਲਾ ਵੀ 35 ਭੈਣਾਂ ਟੋਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਬ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਨੇ ਐਸੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਉਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਈ, ਆ ਜਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਪ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਕੈਸੇ ਆਏ? ਦੇਖੇ ਚਾਹੇ ਹਮ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ ਧੜਕਤਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ
दोनों ने मिलकर सोचा हम शादी पाकिस्तान में करेंगे और बड़ी करेंगे। एक मिनट बच्ची दिया खाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना असा उड़ जाना। और शफीक मुंडा बताओ डोली भी तुहाडे नाल जाएगा ये तुहाडा भरा दा करैक्टर करेगा। अच्छा शफीक साहब ए तुहाडे वालिद साहब। लेकिन इनकी तो आंखें ठीक नहीं, मेरे वाले साहब तो स्मार्ट और बिजनेसमैन थे। ए बरात ते हर बंदे ते अख रखेगा भी किन्ने किन्ना किन्ना खाना खादा और किन्ने किन्ने पैसे दे गए। तू ए ते प्यो दा करैक्टर करना है। ठीक है जी। अच्छा शफीक साहब शफकत दा हाथ जरा फेरो जाके लगे कि तुसी ए ते प्यो नहीं ए समझ लै कि तेरी भैन दी डोली टुर रही है। ठीक है तुसी हैप्पी होना है। हां मैं राजी हूं। तुसी राजी हो? अच्छा रिहर्सल अभी से कर रहे हैं। रिहर्सल कर रहे हैं। उतर जा टुर के दिखा। एक बार फिर से गाना सुना दो। असा उड़ जाना नहीं साडा चिड़ियां दा चंबा उत जे गाना लम्मा कीता ते लाड़े ने भी इत्थे उड़ जाना। डोली जा रही है तेरी भैन दी। ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਲਹਨ ਲੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਓਪਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ पता दे जो तेरे ते गल मुक गई सी कुत्ते सानू इसे जरूर फसाना सी। क्या है भाई माजरा? ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये इस ऑफिस की रियलिटी है। हेलो आ गए जी। कौन? नहीं 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 शमा चलो यहाँ यहाँ नहीं रुकते। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ निकलो यहाँ से। ओ छोड़ दे ओ छोड़ दे ओ छोड़ दे ओ छोड़ दे।